नमस्कार साथियों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए नया वैकेंसी। दोस्तों, जो भारतीय कृषि अनुसंधान के अंदर निकला है उनकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। फॉर्म के अंदर क्या गलती नहीं करनी है, एग्जाम डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है, लेकिन एक गलती अगर आप करते हैं दोस्तों, आप 2 महीने के अंदर आपको नौकरी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 2 महीने अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर विज्ञप्ति आपने देखी होगी, विज्ञप्ति आपने देखी होगी अच्छी तरीके से, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक वैकेंसी निकली है उनके बारे में हम बात करेंगे। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है, फॉरम ऑनलाइन फॉरम शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 18 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, और दोस्तों आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम डेट आपकी 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2021 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यानी दोस्तों 25 तारीख से लेकर 10 दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। 10 दिन के अंदर आपको जितना कुछ करना है उतना कर लीजिए दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है। और आप 2 महीनों के अंदर आपका सिलेक्शन चाहिए, और क्या आपको चाहिए। वेतन की बात करें, वेतन आपका पे लेवल 7 है, अच्छा वेतन आपको मिलने वाला है। वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों वैकेंसी आपकी 641 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, 100%। थोड़ी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस नॉर्मल सिलेबस है आपका, सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष हैं तो फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या क्या है, गलती है वो गलती आपको नहीं करनी है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फीस की बात करें दोस्तों, फीस यहाँ पर 700 रुपये फीस है, यह 700 रुपये फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये है, बाकी 1000 रुपये फीस है अगर आप महिला हैं और कास्ट एक्स सर्विस मैन है, या फिर आप विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ आपका है। उसके बाद में दोस्तों यस फॉर्म आप भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप फॉर्म भर दीजिए दोस्तों, अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है, कोई गलती जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए, क्या क्या चाहिए आप, तो आपको यस 10th पास, उसके बाद में आपका नाम, फादर्स नेम, ओबीसी सर्टिफिकेट, विकलांगता का, एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन कंप्लीट, एड्रेस वगैरह है, 10वीं पास होना जरूरी है। अदर क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं, पेमेंट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फोटो और साइन आपको डालने होंगे दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जिस स्टूडेंट को तैयारी करनी है वो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना, फॉर्म 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना जरूरी है। और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन जो आपका फॉर्मूला है, इस नॉर्मलाइजेशन के अनुसार आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। ये फाइनली रिजल्ट है, इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ रिजल्ट आपका निकालने वाला है। और ये जो पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, इज्जत नगर, कोची, नागपुर, बेंगलोर, भोपाल, कटक, नई दिल्ली, ये देखिए सभी राजस्थान के अंदर भी आपकी वैकेंसी है। तो अलग अलग जगह आपकी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म भरिए अच्छी तरीके से। कट ऑफ क्या रहने वाली वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लाइक करें। फॉर्म भरते समय गलती आपको फ़ोटो और साइन की गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।